लखीमपुर खीरी कांड पर बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने कहा कि उत्तर प्रदेश में बेखौफ घूम रहे हैं अपराधी। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में दो बहनों की कथित तौर पर हत्या किए जाने की घटना को लेकर विपक्षी योगी सरकार पर हमलावर हैं। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस के बाद अब बहुजन समाज पार्टी ने सरकार को घेरा है। बीएसपी प्रमुख मायावती ने कहा कि यूपी में अपराधी बेखौफ हैं क्योंकि सरकार की प्राथमिकताएं गलत हैं। मायावती ने योगी सरकार को कार्यप्रणाली और प्राथमिकताओं में सुधार की नसीहत भी दे डाली है। बुधवार की शाम निघासन कोतवाली क्षेत्र के एक गांव से कुछ दूरी पर गन्ने के खेत में पेड़ पर फंदे से लटकते दो किशोरियों के शव मिले थे। मामले में पुलिस ने पॉक्सो रेप और हत्या की धाराओं में केस दर्ज कर लिया। इधर घटना के बाद विपक्षी सरकार पर हमलावर है। मामले में बीएसपी प्रमुख मायावती ने ट्वीट करके कहा कि लखीमपुर खीरी में मां के सामने दो दलित बेटियों का अपहरण व दुष्कर्म के बाद उनके शव पेड़ से लटकाने की हृदय विदारक घटना सर्वत्र चर्चाओं में है क्योंकि ऐसी दुखद व शर्मनाक घटनाओं की जितनी भी निंदा की जाए वह कम है। यूपी में अपराधी बेखौफ हैं क्योंकि सरकार की प्राथमिकताएं गलत है। मायावती ने आगे कहा कि यह घटना यूपी में कानून व्यवस्था का, महिला सुरक्षा आदि के मामले में सरकार के दावों की जबरदस्त पोल खोलती है। हाथरस सहित ऐसे जघन्य अपराधों के मामलों में ज्यादातर लीपापोती होने से अपराधी बेखौफ हैं। मायावती ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार अपनी नीति, कार्यप्रणाली व प्राथमिकताओं में आवश्यक सुधार करें।